रामटेक से किशोर गजबी को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। रविवार शाम 5 बजे के बाद कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति के प्रभारी महासचिव मुकुल वासनिक को हस्ताक्षर से जो सूची जारी हुई उसमें से उनका नाम प्रमुखता से था। सोमवार को पहले चरण का नामांकन खत्म हो रहा है और इसलिए यदि किशोर को पहले से संकेत नाम मिले होते तो उनके काफी दिक्कतें हो जाती। दरअसल पार्टी के नेतृत्व में जब प्रमुख महासचिवों का चुनाव मैदान में न उतरने का नीतिगत निर्णय लिया था तो उसी के बाद तय हो गया था कि मुकुल इस बार यहां से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब उनकी पसंद से किशोर को टिकट मिल गई है। उनका नाम 4 दिन पहले से ही तय किया गया था लेकिन जब मुकुल मैदान में नहीं है तो फिर उस मौके का लाभ उठाने की पूरी कोशिश कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष नितिन राउत ने की। अंतिम समय की भी उनको यह कोशिश रंग ला पाई है। अंत वासनिक को गजबी को टिकट दिला दी है। वैसे पिछले 2 दिनों से रामटेक क्षेत्र के तमाम प्रमुख कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष से मुकुल को ही उम्मीदवार घोषित करने का आग्रह किया था। नागपुर जिले के वरिष्ठ नेता यह मानते हैं कि इस बार वासनिक के लिए यहां काफी आसानी होती। शिवसेना द्वारा गोपाल तुमानी को ही फिर से मैदान में उतारे जाने के बाद अब यह तय हो गया है कि यहां का प्रमुख मुकाबला तुमाने और गजबी के बीच होगा। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।